के बाद आतंकी भागने में कामयाब भी साबित हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अपडेट इस वक्त कर रहे हैं क्योंकि नाका पार्टी पर आतंकवादियों ने हमला किया, फायरिंग की, इसमें एक पुलिस अफसर और दो जवान शहीद हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि यही वो जगह है जहां पर हमला किया गया था। और बड़ी जानकारी हम आप तक दे रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी हमला हुआ है जिसमें एक पुलिस अफसर और दो जवान शहीद हो गए हैं। क्या कुछ विजय कुमार कहते हैं इसमें आईजी, वो सबसे पहले आपको सुनवाएंगे, फिर सीधा अपने सीनियर साथी के पास जुड़ेंगे और तमाम खबर से आपको अपडेट भी करवाएंगे कि इस वक्त बारामूला में क्या कुछ चल रहा है, क्या आतंकी पकड़े गए हैं, क्या कुछ सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। पहले आप सुनिएगा क्या कुछ विजय कुमार कह रहे हैं। हम लोग लगता है कि एलईडी ने अटैक किया है सर। दिस इज सेकंड अटैक लास्ट 24 आवर्स सर। क्या लग रहा है मतलब इंप्रूवमेंट? 14th को हुआ था श्रीनगर में नौगांव में बाईपास में। ओके, आज ये दूसरा अटैक है, अब 4 दिन में 2 अटैक हुआ, लेकिन हम लोग इसका मुंह तो जवाब देंगे। हम लोग अपना शरीर चेंज कर रहे हैं। लगभग कितने मिलिटेंट इसमें शामिल हो सकते? अटैक नहीं था, कल हम लोग ऑपरेशन लॉन्च किए थे जिसमें इनिशियल कॉन्टेक्ट हुआ था, लेकिन मिलिटेंट भाग में कुछ ऐसा नहीं लगता कि मिलिटेंट से कुछ स्ट्रेटजी चेंज की है पिछली बार साउथ कश्मीर में मकान के अंदर आप रोड पे आ रहे हैं नागा पार्टी में। आप ये सही में पॉइंट आउट की, हम लोग भी इसमें कंसर्न है इसके लिए कि मिलिटेंट जो हमारे जो नाका पॉइंट होता है उसका नंबर बहुत कम होते हैं वहाँ पर जी सर, और रिमोट एरिया नॉर्मली होते हैं, तो वहाँ पर सिविलियन के आर्म आके छिप के आके कंसील करके आके और फायर करके भागने में 2-3 बार कामयाब हो गया, हम लोग को लॉस हुआ है। इस प्रॉब्लम को हम लोग जल्दी दूर कर लेंगे, इसका हम लोग टैक्सिस का जवाब जल्दी दूर लेंगे। जब से कोविड प्रॉब्लम हुआ है तब से नाका लग रहा है, आज भी सुबह नाका लगा हुआ था। आप देख रहे हैं नाला के पीछे काफी घना बगीचा ऑर्चर्ड एप्पल का है, उसमें से 3 मिलिटेंट आए और आर लेके सीआरपीएफ पुलिस के नाका पर उसको फायरिंग कर दिया, जिसमें हमारे 2 सीआरपीएफ जवान और 1 हमारे पुलिस के शहीद हो गए। अभी रिकॉर्ड होगा, आप लोग देख रहे हैं, मंगाए हम लोग एरिया कॉर्डन कर लिए हैं, सर्च चल रहा है, उम्मीद है कि इसको जल्दी इनिटलाइज कर लेंगे। ये नजरबंद नहीं, प्रिवेंटिव मेजर लिए हम कि थ्रेट आया तो उनको सेफ एरिया में, जब तक कि उनके लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सेफ अकाउंटेशन नहीं होगा तब तक रखें, ये टेम्पोरी है। तो 3 जवान शहीद हुए हैं और तमाम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से आतंकी हमला किया गया है। और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि नाका पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग की है और 1 पुलिस अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। और जिस तरीके से कह रहे थे आईजी विजय कुमार कि अभी लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जल्द ही जवाब दिया जाएगा, उन आतंकियों का खात्मा किया जाएगा, और लगातार आतंकियों का खात्मा किया जाना जारी है जम्मू कश्मीर में, जिससे कहीं ना कहीं आतंकी बौखला गए हैं। और बड़ी जानकारी हम आप तक रहे हैं, अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि ये संख्या जहां तक हम बात करते हैं आतंकियों की लगातार बढ़ रही है और आतंकियों का खात्मा इस साल सबसे ज्यादा कमांडरों का भी किया गया है। इस तरीके से आईजी विजय कुमार समय समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आए हैं और तमाम जानकारी पहुंचाते आए हैं, लेकिन इस वक्त की जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के बारामूला की, तो आतंकवादी हमला किया गया, 3 जवान शहीद होने की खबर मिल रही है, लेकिन 1 पुलिस अफसर शहीद हुआ है, इसमें 2 जवान शहीद हुए हैं, यानी 3 जवान शहीद हो चुके हैं और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और नाका पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग की है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं, कुछ देर में हमारे सीनियर साथी जुड़ेंगे और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि इस वक्त क्या कुछ किया जा रहा है। क्योंकि बात करें अगर इससे पहले आतंकी हमले की, क्योंकि 4 दिन में दूसरा आतंकी हमला है, इससे पहले 14 अगस्त को आतंकी हमला किया गया जम्मू कश्मीर में, और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इश्फाक गौहर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर और सीनियर साथी, तमाम सुबह से वो बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस मसले पर हमें दे रहे हैं। इश्फाक जानकारी दीजिएगा क्योंकि विजय कुमार जिस तरीके से कह रहे थे कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, अभी क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है, क्या सर्च ऑपरेशन जारी है, क्या उन आतंकियों का पता लग पाया है, क्या किसी के आपको पकड़ा भी गया है, क्या कुछ जानकारी तमाम अपडेट? देखिए हर्ष, अगर अभी की बात करें तो अभी उस इलाके में दोबारा फायरिंग शुरू हो गई है, जो सर्च ऑपरेशन चल रहा था वहां पर एक और बार फायरिंग शुरू हो गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। और क्योंकि सुबह भी जब ये एनकाउंटर हुआ, जब ये फायरिंग हुई थी, तो उसके बाद ऐसा लग रहा था कि शायद मिलिटेंट वहां से भाग गया है, लेकिन पूरे इलाके को कॉर्डन में लिया गया था और अब थोड़ी देर पहले दोबारा से इस इलाके के अंदर फायरिंग हुई और ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये एनकाउंटर में तब्दील हो जाएगा, लेकिन फिलहाल पूरे इलाके को जो है
वो कॉर्डन कर लिया गया है और तलाशी कार्रवाइयां चल रही हैं। बिल्कुल इश्फाक, तलाशी कार्रवाई चल रही है, लेकिन जब बात करते हैं जिस तरीके से तीन जवान के शहीद होने की खबर आई और बड़ी खबर इस वक्त की आप जानकारी दे रहे हैं, हमारे दर्शकों को अपडेट करें कि इस वक्त भी गोलीबारी चल रही है और अब ये मुठभेड़ में तब्दील कहीं ना कहीं हो जाएगी। लेकिन जब हम आईजी विजय कुमार को सुनते हैं वो कहते हैं कि मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सामने आते हैं तो कहते हैं कि बड़े कमांडर का खात्मा किया जा रहा है। लेकिन लगातार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर घाटी की हम बात करते हैं। 14 तारीख को ही ऐसा वाकया सामने आया, उसके बाद चार दिन में ये दूसरा बड़ा मामला। देखिए मिलिटेंट अपनी प्रेजेंस जरूर दिखाने में कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसियां भी लगातार जो है वो ऑपरेशन अपना चला रहे हैं, और इस ऑपरेशन का नतीजा है कि बड़े पैमाने पर जो है वो मिलिटेंट भी मारे गए, अगर आप फिगर्स को देखेंगे। लेकिन अभी जो बारामूला कीरी में जो इस वक्त चल रहा है, इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट हो रही है कि एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है। ये हम ब्रेक कर सकते हैं कि एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर आ रही है, लेकिन अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन होना उसका बाकी है। डेट मीन जो अभी आईजीपी कह रहे कि देखिए हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे और हम प्रेशर में नहीं आएंगे, उसका जवाब तो यहीं पर मिल गया है। इसी कीरी एरिया में ही उन्होंने कुछ जो ऑपरेशन चलाया था वो एनकाउंटर में तब्दील हो गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर इश्फाक ने दी है, एक आतंकवादी का खात्मा कर दिया गया है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, हमारे सीनियर साथी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक आतंकवादी का खात्मा अभी तक कर चुकी है सेना, और लगातार जो बात कही जा रही थी आईजी विजय कुमार की तरफ से, अभी एक आतंकवादी मारा गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर गुलिस्तान न्यूज पर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन खबर यह मिल रही है कि एक आतंकवादी मारा गया है, क्योंकि तीन जवान के शहीद होने की खबर थी। बारामूला में जिस तरीके से आतंकी हमला किया गया, नाका पार्टी पर आतंकियों ने फायरिंग की, लेकिन एक आतंकी के मारे जाने की खबर है, वो जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि फिलहाल अभी नहीं हो पाई, और बड़ी जानकारी तमाम हम आप तक पहुंचाएंगे क्या कुछ जम्मू कश्मीर में चल रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, भारत और नेपाल की बात कर लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच अब वार्ता शुरू हो गई, और बड़ी जानकारी आपको देंगे कि भारत नेपाल के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता शुरू हो गई है, और इस वक्त बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। तमाम बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि सीमा विवाद के बाद पहली बार नेपाली पीएम का फोन आया था स्वतंत्रता दिवस पर। नेपाल की ओर से रिश्तों की मर्यादा तोड़ने वाले वो पूरी तरीके से नेपाल ने फैसले किए थे कि मर्यादा किस तरीके से तोड़ी जाए, ये नेपाल की तरफ से लगातार तलखियां देखने को मिल रही थी। लेकिन अब बात करें, इस वार्ता की बात करें, तो भारत नेपाल के बीच सचिव स्तर की वार्ता शुरू हो चुकी है, और तमाम बड़ी अपडेट बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक हो रही है, और सीमा विवाद के बाद पहली बार नेपाली प्रधानमंत्री का फोन आया था भारत के प्रधानमंत्री के पास, और बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि बैठक अब शुरू हो गई है। क्योंकि सुबह से हम आपको लगातार खबर बता रहे थे कि बैठक होनी है, लेकिन अभी बैठक शुरू हो चुकी है। निशांत राय इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। निशांत, तमाम अपडेट दीजिएगा, क्या कुछ अभी चल रहा है, क्योंकि बात करें अगर नेपाल की, जिस तरीके से तलखियां देखने को मिली नेपाल की तरफ से, और जो रिश्तों की मर्यादा नेपाल भूलता हुआ नजर आया, नेपाल ने तो भारत के भगवान को ही अपना बता डाला था, लेकिन अब वार्ता खैर शुरू हुई है, क्या कुछ खबर और अपडेट आपके पास मिल रही है निशांत? जाहिर सी बात है कि भारत और नेपाल के बीच तलखियों के बीच ये बैठक बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि इस बैठक में दोनों देशों के द्विपक्षीय आर्थिक और जो विकास की परियोजनाएं हैं इन पर चर्चा होनी है। खासकर नेपाल में जो इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट है 900 मेगावाट का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए दो नेपाली बैंक और चार भारतीय बैंक जो ऋण दे रहे हैं इस पर चर्चा होनी है। बाकी भी नेपाल में जो विकास की योजनाएं हैं जो भारत के द्वारा संचालित की जाती हैं उनकी समीक्षा की जानी है, इसलिए बैठक बेहद अहम हो जाती है। दरअसल सीधे तौर पर केपी ओली ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस तरीके से भारत विरोधी बयान, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया है, उससे भारत और नेपाल के रिश्तों में तलखियां तो काफी ज्यादा आ चुकी हैं। लेकिन इन तलखियों के बीच जो हमारा नेपाल के साथ हजारों साल पुराना रिश्ता है, उन रिश्तों को भारत अभी भी मेंटेन करता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि आपने भी कहा कि नेपाल ने जो हमारे भगवान है उनका जन्म स्थान जो है वो नेपाल में बताया। हालांकि भगवान को किसी देश किसी सीमा में बांधना उचित नहीं होता, लेकिन जो जन्म स्थान का जो विवाद था नेपाल ने उसे बढ़ाने की कोशिश की, जिससे कि सीधे तौर पर पहले तो नेपाल और दूसरी तरफ भारत में भी जो एक तरीके से धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम वहां के प्रधानमंत्री ने किया है, जो कि एक तरीके से कहा जाए उचित नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री
पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतनी बड़ी ऐतिहासिक गलती करे और उसको बार बार कहे, तो ये दोनों देशों के संबंधों में तल्खियां बढ़ाने का ही काम करता है। बिल्कुल निशान, क्या ये नहीं लगता कि केपी ओली साहब एक तरीके से लीपापोती का काम कर रहे हैं? क्योंकि जब हम दूसरी साइड का जिक्र करते हैं, देखते हैं दूसरा पहलू देखते हैं, तो लगातार चीन की जो परियोजना है वो काम कर रही है नेपाल के अंदर, लेकिन नेपाल अब झुकता हुआ कहीं ना कहीं भारत के सामने नजर आ रहा है कि रोटी बेटी का रिश्ता तो है भारत के साथ, लेकिन ये लीपापोती एक तरीके की है या फिर वाकई अब अकल आ गई है नेपाल को? देखिए, अकल आ गई नहीं आ गई ये सवाल दूसरा हो जाता है, और अभी भी नेपाल और भारत में कोई ऐसा ट्रेड रिलेशन नहीं बन पा रहा है जिस तरीके का पहला था। आज की जो बैठक है, केवल जो भारत के द्वारा नेपाल में विकास कार्य किए जा रहे हैं दोनों देशों के द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग को लेकर है, और ये बैठक अमूमन होती रहती है, इससे पहले 2016 में हुई थी, तो इस बैठक को लेकर हमें ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके की बैठक जो है, इसमें सीधे तौर पर भारत अपने पड़ोसी मुल्क की जो मदद करता है उस मदद को आगे बढ़ाने की बात कह सकते हैं आप। अभी केपी ओली साहब का क्या स्टैंड है ये आने वाला वक्त बताएगा। कल हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी, लेकिन दूसरी तरफ चीन के भी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को 15 अगस्त की शुभकामनाएं दी। तो अभी इन चीजों को लेकर ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में खासकर नेपाल जिस तरीके से अपने मानचित्र को एक विवाद के रूप में खड़ा कर रहा है और सिगरौली समझौते का सीधे तौर पर उल्लंघन कर रहा है और अब अपने मानचित्र को यूएन में भी ले जाने की बात कह रहा है, तो इन तमाम चीजों को देखना होगा कि नेपाल का क्या इस वार्ता में भी इस मानचित्र का जिक्र होगा, क्योंकि लिपुलेख, काला पानी और तमाम जो भारत के ऐसी जगह है जिसको अब नेपाल अपना बता रहा है, क्या जब ये वार्ता हो रही है इस वक्त क्या इसका जिक्र भी हो सकेगा? क्योंकि भारत का कड़ा जो प्रतिक्रिया थी पिछले दिनों देखने को मिली थी, जिस तरीके से ये नक्शा एक जारी करा गया था नेपाल में, क्योंकि ख्याली पुलाव अच्छे हैं नेपाल के लिए, लेकिन क्या जिक्र इस वार्ता में मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस वार्ता में कोई भी ऐसा जिक्र नहीं होगा जो कि भारत और नेपाल की तल्खियों को बढ़ा दे। ये वार्ता, मैंने पहले ही कहा कि द्विपक्षीय आर्थिक और विकास परियोजनाओं को लेकर है, खासकर 900 मेगावाट की जो परियोजना नेपाल में शुरू करनी है उस पर चर्चा की जा रही है, और इस वार्ता में कोई भी ऐसी विवादित चीज पर बात नहीं होनी है जो कि तल्खियों को और ज्यादा बढ़ाए और विकास जो भारत जो विकास के कार्य नेपाल में कर रहा है भारत इसकी समीक्षा करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशांत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, नजर आप अपनी बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन बात करेंगे बाढ़ और बारिश की, क्योंकि मौसम विभाग की जब हम बात करते हैं तो पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है और कई राज्यों में तबाही भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर महाराष्ट्र गुजरात की बात करें तो तमाम राज्यों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और मौसम और मानसूनी बारिश इस वक्त कहर बरपा रही है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, क्योंकि पहाड़ से लेकर मैदानी राज्यों तक अलर्ट जारी किया गया है और बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है और भारी बारिश इस वक्त भारी तबाही मचा रही है। बात करें मुंबई की या बात करें हम राजधानी दिल्ली में तो रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया है, खासकर पहाड़ी इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो पहाड़ी इलाकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन कई राज्यों में इस वक्त भारी तबाही देखने को मिल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें या फिर बिहार की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, किस तरीके से वहां पर भूस्खलन हो रहा है और भारी तबाही इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि कहर लगातार जारी है बाढ़ और बारिश का, और जिस तरीके से भूस्खलन हो रहा है, कई बाधित रास्ते भी हिमाचल प्रदेश के इस वक्त चल रहे हैं, और जब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की खासकर, तो हिमाचल प्रदेश में खासकर भूस्खलन होना जारी है, लेकिन जब गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में इस वक्त तबाही मच रही है, आफत जो बरस रही है आसमान से बारिश बनकर, उसको लेकर गुजरात में अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया हुआ है, लेकिन इस वक्त भारी तबाही देखने को मिल रही है देश के अलग अलग राज्यों में। लेकिन मौसम विभाग की जब हम बात करते हैं तो मौसम विभाग ने आगे आने वाले दिनों में इसी उम्मीद यही जताई है कि ऐसी ही स्थिति आगे आने वाले दिनों के लिए भी रह सकती है, और मौसम विभाग ये कह रहा है कि 4 से 5 दिन तक काफी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि आसमान से और अभी आफत बरसना बाकी है। क्योंकि अलग अलग राज्यों की जब हम बात करेंगे तो अलग अलग राज्यों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है और लोग सड़क किनारों पर रहने को मजबूर हैं, खासकर बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार में ये स्थिति देखने को मिल रही है, और जब महाराष्ट्र का रुख करते हैं तो महाराष्ट्र में भी यही स्थिति देखने को कहीं ना कहीं मिल जाती है। महिपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, फोन लाइन पर तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। महिपाल, गुजरात में
तबाही देखने को मिल रही है, भारी बारिश लगातार हो रही है, क्या कुछ राज्य सरकार कर रही है? क्योंकि अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो मौसम विभाग ने महाराष्ट्र गुजरात तमाम राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? तो जुड़ेंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है जिस वजह से अभी वो हमारे पास जुड़ नहीं पा रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे कि क्या राज्य सरकार कर रही है और कितनी तबाही गुजरात में इस वक्त हो रही है, या फिर देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों ने में बाढ़ ने अपना कोहराम मचाया है और आसमान से इस वक्त बारिश आफत बनकर बरस रही है। और बात करें लोगों की तो लोग इस वक्त बेहद परेशान है क्योंकि सरकार से जो उम्मीद वो रखते थे वो नहीं मिल पाया, सरकार से प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, सड़क किनारे रहने को लोग मजबूर हैं। लेकिन जब हम राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई में हालत क्या है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि हाई टाइड की चेतावनी मुंबई में दी गई है और मुंबई में इस वक्त बारिश लगातार हो रही है और राजधानी दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है। महिपाल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए, महिपाल तमाम जानकारी दीजिएगा क्योंकि मौसम विभाग ये कहता है कि 4 से 5 दिन ऐसे ही रहेंगे और बारिश आफत बनकर बरसेगी तमाम राज्यों की जब हम बात करते हैं खासकर गुजरात की। महिपाल, और जिस तरीके से ये अलर्ट जो दिया गया है 5 दिन तक बारिश रहेगी और फिलहाल भी अभी जो बारिश है बारिश का कहर अभी जारी है। यहाँ पे दक्षिण गुजरात से लेकर सौराष्ट्र में देखा जाए तो सभी जगहों पे बारिश इतनी ज्यादा हो चुकी है कि सभी नदी नाले जो है ओवरफ्लो हो चुके हैं और सभी में पानी ज्यादा से ज्यादा जल स्तर से ऊपर पानी बह रहा है और देखा जा रहा है कि कई सड़कों पे पानी भर चुका है। और यहाँ पे गुजरात में देखा गया है कि 122 स्टेट हाईवे है उसको यहाँ पे अभी बंद किया गया है, साथ ही साथ में गांव को जोड़ते हुए जो इंटरनल रोड है उसको भी बंद किया गया है और साथ ही साथ में रास्ते भी बिस्मार हो गए हैं। दो राष्ट्रीय दोहरी मार्ग जो भी है यहाँ पर उसको भी नेशनल हाईवे को भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। यानी कि कुल मिला के देखे तो अभी 5 दिन की अभी चेतावनी है तो अभी जाके कहीं ना कहीं बारिश अभी भी इससे भी ज्यादा हो सकती है। और यहाँ पे इसको लेके 28 डैम इतने हैं कि वहाँ पे है अलर्ट दिया गया है, 206 में से 28 डैमों पर हाई अलर्ट दिया है। आपको बता दें कि वहाँ पर हाई अलर्ट देने के साथ साथ ही जहाँ पर निचले इलाके हैं निचले रिहायशी इलाकों में सब लोगों को यहाँ से शिफ्ट होने के लिए कहा गया है, साथ ही साथ में जो मुस्तैद से यहाँ पे प्रशासन की जो टीमें हैं उनको भी लगाया गया है और उन लोगों को भी बुलाया गया है कि लोगों की जल्द से जल्द मदद करें और जो भी उसका पूरा ध्यान रखें। जो प्रशासन की तरफ से कहा गया है एनडीआरएफ की 15 टीमें अभी तो लगी हुई है और साथ ही साथ में एसटीआरएफ की स्टेट की भी टीमें हैं वो भी साथ ही में लगी हुई है, साथ ही साथ में इनके साथ में काम कर रही है। बिल्कुल, राज्य सरकार की एक तरीके से बैठक भी होनी थी महिपाल, उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा क्योंकि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उसके बाद तमाम बैठकें जारी है गुजरात में भी, उसके बारे में भी अपडेट करिएगा दर्शकों को। जी बिल्कुल, यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है जिन्होंने सभी मंत्रियों के साथ में भी और सभी जिलों के जो कलेक्टर है उनके साथ में भी बैठक बुलाई है, उनके साथ में भी मीटिंग कर रहे हैं और जिस जगह पे ज्यादा बारिश होने वाली है यानी कि जो राजस्थान में अभी ज्यादा बारिश हो रही है और वहां से यहाँ बनासकांठा नजदीकी जिला आता है और साथ ही साथ में कच्छ भुज भी नजदीकी जिला आता है तो वहां पर भी ज्यादा बारिश हो रही है और 2017 में यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात हो गए थे और सब कुछ यहाँ पानी में डूब गया था जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति बार बार न हो के लिए भी यहाँ पे मीटिंग हो रही है और क्या कुछ किया जा सकता है कहीं जारी है ताकि लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया महिपाल तमाम जानकारी गुजरात से हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के उस पार गुलिस्तान न्यूज पर खबर।